उस्मानिया फौज में भर्ती के उम्मीदवार हर कोने से जोक दर जोक आ रहे हैं, उनके साथ है मुकाबला। मगर इस जज्बे के साथ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर सईद ने घोड़ा गिराकर धोखा ना दिया होता तो हम वक्त पर होते यहाँ पर। जब सरहद पर दुश्मन तुम पर घात लगाएगा तो तुम कमांडर को ये बहाने सुनाओगे। सिर्फ चल नमू की ताखीर के लिए इतना गुस्सा मत करें बाबा। जाओ यहाँ से। जब गोली तुम्हारे सर में लगेगी तब पता चलेगा चल नमू की कीमत का। पकड़ो इसे और बारी बारी अपने सरों पे रखो। पहले मेहमत, बाबा आप हमें उस्मानी फौज में भर्ती करवा रहे हैं या कब्र में पहुंचाना चाहते हैं? अगर अभी से ही तुम मौत से इस तरह डरोगे तो मुझे इस मुल्क की जंगी हालत पे अफसोस है। बातें बंद, अब जाओ। अपनी सांसों पे काबू रखो, उनकी वजह से तुम्हारा निशाना खता नहीं जाना चाहिए। शाबाश, अल्लाह कामयाब करे। बेकार है ये सब। सईद रुक जाओ, इतना बोझ मेरे कंधों के लिए काफी है बाबा। फिर तुम फौज में भर्ती के लिए दरख्वास्त भी नहीं दोगे, उस्मानिया दस्ते में शामिल होने के लिए उम्मीदवार भी नहीं बनोगे। अगर शामिल होना चाहें तो क्या इसके लिए जुल्म सहना जरूरी है बाबा? बाबा सही कह रहे हैं सईद, वो तो तुम रास्ते से हट गए, बस अब और नहीं। मैं इस पागलपन से बाहर हूँ, इंसानों की तरह सीधे रास्ते से जाऊंगा। वो रख ले तो ठीक है, वरना खैर है। सईद, मैं कौन हूं बेटा? बिलोलिया के गाजी हैं, लश्कर के जुनूनी सिपाही, मैदान जंग के बब्बर शेर हैं आप, पहलवान हुसरो साहब हैं आप। और तुम कौन? मैं आपका बेटा सईद हूं।
तो फिर शेर बनो, शेर बनो ताकि उन्हें पता चले कि शेर का बेटा। ठीक है बाबा। परेशान हो गया है सईद, यही एक दिन सच्चा सिपाही बनेगा।